सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि केस में लीपापोती की कोशिश की गई, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा, घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देर से दी गई, परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई, मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में भी अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो ये कोलकाता रेप कांड, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई, उस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। आज सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपना था। इस स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने उन तमाम संदेहों का जिक्र किया है जिसकी चर्चा आम जनता भी कर रही है। कोलकाता कांड में हो रहे खुलासे के बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही हैं। तो भूपेंद्र चौधरी ने भी हमला बोला है। ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और पिछड़ा विरोधी राजनीति की अपराधी है। ऐसी सरकार जिसकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के जान बचाने वाले डॉक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छीनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। ये दुखद है जिस प्रकार का बर्ताव महिला सुरक्षा को लेकर, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार का है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन मुझे विश्वास है कि संवैधानिक संस्थाएं और माननीय न्यायालय के अधीन विषय है, तो जो भी विधि संबद्ध इसमें कठोर कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई होगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। शुरू से ही कई सवाल संदीप घोष की भूमिका पर है, और अब कॉलेज के पूर्व सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये दो कंप्लेन काफ़ी ऊंचा लेवल में गया था, लेकिन ये बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपोज किया था विद वीडियो फुटेज और इसका मीडिया ने भी इसको एक्सपोज किया। अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है और 2007 से 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
अख्तर अली ने ये भी आरोप लगाया कि साल 2021 में संदीप घोष ने अपनी नियुक्ति के बाद से ही छात्रों को जानबूझकर फेल करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को पास करने के नाम पर पैसे कमा सके। मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि जब संदीप घोष को पद से हटाने या ट्रांसफर की बात होती तो वो जूनियर छात्रों को भड़काकर आंदोलन करवा देता था। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को देख के उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। आरजेकर